से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पार्टी पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। किसान आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार करने के लिए शुक्रवार को किसान आंदोलन समन्वय समिति हिसार की एक बैठक जाट धर्मशाला में मास्टर प्रताप सिंह बड़छप्पड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में किसान आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते कैंडल मार्च व मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 16 फरवरी को रामायण टोल प्लाजा पर किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती मनाई जाएगी। उन सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करें। किसान नेताओं ने 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम को लेकर भी विचार विमर्श किया है। सर ये बताना कि आज बंद कमरे के अंदर मीटिंग थी किस चीज़? आज की जो मीटिंग है हमारी जिला की कार्यकारिणी जो किसान मजदूर समन्वय समिति है उसकी कार्यकारिणी मीटिंग हुई आज और जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित बातें इसमें रखी गई हैं। अपने अपने सुझाव सभी ने दिए हैं कि इस बारे में कैसे आगे चलाया जाए और जो फर्दर प्रोग्राम है हमारा, जैसे हमने 14 तारीख को जो पुलवामा में हमारे शहीद हुए हैं पुलवामा के अंदर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और साथ साथ हमारे जो किसान हमारे 210 से करीब 210 से ऊपर साधन दे चुके दिल्ली के अंदर इस किसान आंदोलन में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और 14 को शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा और फिर 16 को जो दीन बंधु चौधरी छोटू राम जो किसानों के मसीहा हुए हैं उनकी जयंती जो है और उस दिन बसंत पंचमी भी है वो साथ साथ मनाई जाएगी और बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। वो हमारे जो गढ़ी सांपला जो गांव है, गढ़ी सांपला चौधरी छोटू राम का गांव था, वहाँ उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, वहाँ भी बहुत भारी प्रोग्राम किया जाएगा गढ़ी सांपला के अंदर भी और हमारे यहाँ भी हिसार के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और झांझा भी हमारे संगठन है वो सारे सारे इसको बड़े धूमधाम से दीनबंधु सर छोटू राम की जो जयंती है वो मनाई जाएगी। इसी प्रकार से 18 तारीख को जो हमारा संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है ऊपर से कि रेल रोको का जो प्रोग्राम बनाया गया है 12 से 4 बजे तक, तो वो उसमें जो ऊपर का आह्वान है उसी हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो किसान आंदोलन हमारा चला हुआ उससे संबंधित हमने सभी बातों पर विचार गौर किया है कि अनुशासन में रह करके और कानून को मानते हुए संविधान को मानते हुए जैसे हमारा सही दिशा में हमारा जो धरना प्रदर्शन किसान आंदोलन जो तीन काले कानूनों के खिलाफ रद्द करवाने के लिए जो हमारा है वो चलता रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापसी नहीं हो जाते और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती, किसानों की कर्जा मुक्ति नहीं हो जाती, जो हमारी जो जरूरी है मोदी जी ने सबसे पहले कुर्सी बैठने से पहले ये कहा था कि अगर मेरे को प्रधानमंत्री कुर्सी मिलती है तो मैं सबसे पहले किसानों को कर्ज मुक्त करूँगा उसी पर हस्ताक्षर करूँगा, लेकिन वो अपनी बात से अब विमुख हो रहे हैं जिससे किसान जो है आज जो है पीड़ित और दयनीय हालत किसान की है, इससे ऊपर और किसी की दयनीय हालत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने और उनकी सरकार ने कृषि मंत्री जी ने सभी ने मिलकर आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ के बात करनी चाहिए और इसको तुरंत अपने जो कानून तीनों काले कानून ये तीनों के तीनों रद्द किए जाएँ और हमारे जो किसान साथी जो हमारे शहीद हुए हैं 225 करीब हो गए जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं उनका उचित मान सम्मान करते हुए उनको जो उचित मुआवजा सरकारी नौकरी वो दी जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने तुरंत ये इस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए और तब मैं मोदी जी ये भी कह रहे थे कि मैं एक फोन दूर हूँ तो आज क्यों नहीं हो बात करने के लिए हमारे से बात करते, किसान संगठन इस मामले में बड़े धैर्यपूर्वक बात करने के लिए तैयार है। क्या नाम है सर? दिलबाग सिंह हुड्डा मेरा नाम है, गांव मेरा लुधास है जी और भारतीय किसान यूनियन बावता का प्रदेश महासचिव हूँ मैं। मुझे बताना ये आज बंद कमरे में मीटिंग हुई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बंद कमरे में जो मीटिंग हुई है उसमें ये हमारी जो समन्वय समिति है उसमें यही है कि किस तरह से इस आंदोलन को और भी आगे विस्तृत रूप दिया जाए और जो संयुक्त मोर्चा के प्रोग्राम हैं उनको किस तरह से हम लोग यहाँ पे अपने जिला स्तर पे इम्प्लीमेंट करें उनको लागू कर पाए करें, तो इसी के लिए ये मीटिंग हमारी आज हुई है। इसमें निर्णय क्या लिया गया है कुलदीप जी? इसमें निर्णय जो है वो यही लिया गया है कि किस जो कैंडल मार्च है और जो संयुक्त मोर्चा के जो प्रोग्राम है उनमें ये निर्णय लिया गया है कि उनको सुचारू रूप से ये समन्वय समिति जो है उसके ऊपर काम करेगी और संयुक्त मोर्चा के साथ वो रह के उनके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी।
कि कैंडल मार्च कार से निकालोगे सर? कैंडल मार्च का जो आह्वान है मुझे लगता है वो हर गांव-गांव में है, हर गांव में कैंडल मार्च और मसालों से निकलेगा, गांव के 7 से 8 बजे हर गांव के सत्र में, जिला स्तर में भी होगा, अर्बन में भी होगा। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर पटापट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? सत्यवीर सिंह अडवाल। अडवाल साहब बताना ये क्या मैटर है सर, आप किसानों के ऊपर आज बंद कमरे में मीटिंग की गई है, इसमें क्या निर्णय लोगे? आज जो बंद कमरे में मीटिंग हुई है इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो कॉल आई है, एक तो 14 फरवरी को कैंडल मार्च है और 16 फरवरी को रहवरे आजम सर छोटूराम की जयंती मना रहे हैं और एक 18 फरवरी को रेल लोको को जो है ना आंदोलन हमारा है रेल लोको, तो इसके रिगार्डिंग जो है ना सारे प्रोग्राम तय किए गए हैं और सबकी जिम्मेवारियाँ लगाई गई हैं, सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई कि किस प्रकार से हम काम करेंगे। किस टाइम से किस टाइम तक रेल लोको के सर? रेल तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, 4 घंटे का प्रोग्राम है। पहले ऐलान कर दिया गया है क्या रेल को भाई किस टाइम से रेल रोकी जाएगी? हाँ बिल्कुल, संयुक्त मोर्चे की तरफ से पूरा कॉल हमारी सेंटर की तरफ से कॉल आई है और उसी को हम फॉलो करते हैं। कार्यक्रम हमने तय कर दिया 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हम रेल रोकेंगे और पूर्णतया रेल रोकेंगे। सर बताना सर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम राजीव पात्रड़ है, मैं आज़ाद नगर हिसार से हूँ, किसानों के आंदोलन में लगातार जुड़े हुआ हूँ और आज की ये जो हंसीजाट धर्मशाला की हमारी हिसार जिले की किसान संघर्ष समन्वय समिति की मीटिंग हुई है, इसके अंदर विचार विमर्श हुआ है कि जो हमारी ऊपर सेंट्रल बॉडी की जितनी भी कॉल है उनको हम अच्छे तरीके से लागू कराएंगे और जितनी भी जो काले तीन कानून है इनको जब तक ये रद्द नहीं होते हैं और एक जो बिजली का भी नया कानून लेके आने लग रही है मोदी सरकार उनको उसको भी इसके अंदर जोड़ा गया है, साथ में जो फसल बीमा योजना है उसको रद्द करवाने का भी यहाँ पर प्रस्ताव पास किया गया है और जो हमारे जो 200 से ऊपर शहीद किसान महिला और पुरुष शहीद हुए हैं उनको उचित मान सम्मान एक सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा का प्रस्ताव पास हुआ है और आगे भी जितनी भी कॉल आएंगी हमने ये फैसला किया है हिसार जिला की संघर्ष समन्वय समिति हिसार के अंदर सारे कॉल को फॉलो करेगी। जैसे हमारा 14 तारीख का कैंडल मार्च है गांव-गांव के अंदर, गली गली मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर और 16 तारीख को किसानों के नेता दीन बंधु रहवरे आजम दीन बंधु छोटूराम की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 18 तारीख को जो भारत में सारे रेल रोको आंदोलन है जो 12 बजे से 4 बजे तक उसको पूरे तमन्ना से और पूरे तरीके से रोकने का काम किया जाएगा। पल पल हर पल की खबर आपके अपने YouTube चैनल पाठक पक्ष पर।